नमस्कार दोस्तों, अगर आप बाला माता मंदिर वलादाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बाला माता पहुंचने के लिए सही रास्ता कौन सा है, रास्ते की स्थिति कैसी है तथा कम ट्रैफिक में होकर के आसानी से आप बाला माता कैसे पहुँच सकते हैं उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अहमदाबाद सिटी के चारों तरफ एक रिंग रोड बना हुआ है जो अहमदाबाद सिटी के हर एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करता है। वलाद गांव पहुंचने के लिए नाना चिलोड़ा सर्कल सेंटर पॉइंट है। यहां पर पहुंचने के बाद आप आसानी से अहमदाबाद हिम्मतनगर हाईवे होकर वलाद गांव में पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप पश्चिम अहमदाबाद के बोपल, गुमा, शेला, शीलज, भाड़ज, सैटेलाइट, जोधपुर, नवरंगपुरा, बोड़कदेव और गोता में रहते हैं तो आप SG हाईवे या SP रिंग रोड पर पहुंचकर वैष्णो देवी सर्कल होकर, जुंडाल सर्कल होकर नाना चिलोड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप पूर्व अहमदाबाद के मणिनगर, मेघाणीनगर, शाहीबाग, बापूनगर, ओढ़व, वस्त्राल, निकोल, वटवा, हाथीजण, ईसनपुर या गोड़ासर में रहते हैं तो रिंग रोड या फिर मेमको नरोड़ा पाटिया होकर के नाना चिलोड़ा सर्कल आसानी से पहुंच सकते हैं। पर दोस्तों यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली नरोड़ा पाटिया वाले रास्ते पर ट्रैफिक का आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर आप अहमदाबाद के मध्य विस्तार यानी कि पालड़ी, वाड़द, सुभाष ब्रिज, उस्मानपुरा, इनकम टैक्स या फिर साबरमती एरिया में रहते हैं तो आपके लिए चांदखेड़ा या मोटेरा होकर नाना चिलोड़ा पहुंचना बहुत ही इजी रहेगा। नाना चिलोड़ा पहुंचने के लिए आपको हर एक एरिया से कनेक्टेड बस और रिक्शा दोस्तों आसानी से मिल जाएगी। पर मेरा सजेशन आपको यहां पर ये रहेगा कि अगर आप प्राइवेट कार या टू व्हीलर खुद का लेकर के आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे वलाद गाँव तक पहुँचने के लिए बस या फिर जो रिक्शा या शटल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है और मे बी आपको वहां पर वेट करना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो यात्री अहमदाबाद से बाहर यानी मुंबई, बड़ौदा एक्सप्रेसवे, मेहमदाबाद, कटलाल, कपड़वंज, आणंद, नड़ियाद, सरसवणी इस एरिया से अगर आ रहे हैं तो SP रिंग रोड ही उनके लिए एंट्री पॉइंट है। तो आप सिटी में ना जाकर के SP रिंग रोड से सीधा नाना चिलोड़ा होकर वलाद गांव में पहुंच सकते हैं। SP रिंग रोड वाला रास्ता बहुत ही चौड़ा और अच्छा है और उस पर ट्रैफिक भी बहुत कम रहता है तो उसमें आपका समय की भी बहुत बचत होती है। नाना चिलोड़ा तक दोस्तों हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब यहां से माताजी का मंदिर वलाद गांव सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आपको हिम्मतनगर हाईवे 48 पर आगे बढ़ जाना है। यह रास्ता 6 लेन बन चुका है और इसका कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया ढंग से यह रास्ता बनाया गया है तो ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों वलाद गांव की सीमा पर एक ओवरब्रिज बन गया है इसलिए रिलायंस के पेट्रोल पंप से हमको सीधा सर्विस रोड पर आगे बढ़ना है। वलाद गांव की सीमा में एंट्री पॉइंट पर एक मुख्य द्वार बना हुआ है। वलाद गांव के मुख्य बाजार तक सड़क काफी चौड़ी है जहां पर 2 4-व्हीलर आसानी से आमने सामने निकल सकते हैं। सड़क कहीं कहीं टूटी है और रास्ता काफी धूल मिट्टी वाला है। वलाद गांव के मुख्य चौक से मंदिर की तरफ जाते हैं तो रास्ता काफ़ी सकड़ा होता जाता है और एक 4-व्हीलर ही निकल सकता है। इतना ही चौड़ा रास्ता है जिसको मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से दिखाया है। दोस्तों
अगर आपको पूजा सामग्री जैसे कि नारियल या अगरबत्ती लेनी है तो वलाद गांव के मुख्य चौक पर काफ़ी सारी किराना शॉप्स हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। अदरवाइज आगे जाकर आपको एक या दो शॉप्स ही मिलेगी जहां पर यह सामग्री नहीं मिलती है, तो आपको मंदिर तक जाकर वापस आना पड़ सकता है। दोस्तों, वलाद गांव एक छोटा गांव है, पर यहां पर गांव में किराना स्टोर, आइसक्रीम पार्लर, पान पार्लर और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। पर अगर आप लंच या डिनर का सोच रहे हैं तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि नाना चिलोड़ा सर्कल ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस सर्कल पर आपको गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, चाइनीज़ खाना आसानी से और बहुत ही किफ़ायती दाम में यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगर राजस्थान के उदयपुर साइड से आप यहां पर आ रहे हैं तो मोटा चिलोड़ा सर्कल आने के बाद आपको एक्टिव हो जाना है। यहां से वलाद मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है तथा रास्ता 6 लेन होने की वजह से और बहुत ही अच्छा होने की वजह से आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आप अगले 10 या 12 मिनट में वलाद गांव के क्रॉस रोड पर आ जाएंगे। दोस्तों, गिफ्ट सिटी के क्रॉस रोड के बाद फिरोजपुर गांव का क्रॉस रोड आता है और उसके तुरंत बाद वलाद गांव का क्रॉस रोड आएगा जहां पर अभी ओवर ब्रिज बन गया है, उसका दोस्तों खास ध्यान रखें। दोस्तों, वलाद गांव में बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तथा रिक्शा की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होने की वजह से मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, आप अपना खुद का व्हीकल यहां पर लेकर दर्शनों के लिए आएंगे तो आपको कम परेशानी रहेगी। अगर दोस्तों इंफॉर्मेशन में कुछ बाकी रह गया हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा तथा आप दर्शनों के लिए कब जाने वाले हैं वह भी कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब का रेड बटन दबाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, जय बाला माता, जय बाला अर्क।